अरे वाह, तो कसरत हो रही है। लेकिन ये तो बहुत ही आसान कसरत कर रहे हो। एक काम करते हैं मनोज जी, हम नाप के कमर पे बैठ जाते हैं, इससे आपकी ताकत का पता चलेगा। क्यों? या फिर क्यों? या फिर हम आपके नीचे लेट जाते हैं, इसमें तो और ज्यादा मजा आएगा, है ना? अंगिया में कुछ ज्यादा आग नहीं लगाया तुम्हारे? बोलो तो हम शांत कर देते हैं। ये बताए तुम्हारी अम्मा को? हाँ, हम आपको कितनी बार कहे हैं ना, ऐसे खुले में कसरत मत किया करिए। अरे तो कसरत खुले में नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? हमको नहीं पता, और हम तो कह रहे कि चूड़ियों की दुकान भी बंद कर दीजिए और कोई दूसरा काम धंधा करिए। पगला पगला गई हो क्या? कुछ भी बकरी हो। अब हम क्या करें, जब भी कोई आपको ऐसे देखता है ना, या फिर आप किसी का हाथ पकड़ के चूड़ियां पहना रहे होते हैं, तो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो हमारा काम है, और तुमको तो पता ही है हम तुम्हारे अलावा किसी को नजर उठाकर भी नहीं देखते। ये तो सच कह रहे हैं आप। क्या कर रही हो, काम के लिए लेट हो जाएगी। आज लेट तो लेट ही सही। चलिए हम आपकी मालिश कर देते हैं। ये जो हमारी दवाई है ना, हमारी कंपनी की, इसका नाम है पलंग तोड़ शिलाजीत। पलंग तोड़ शिलाजीत। और ये दवाई आप एक बार अगर खा लो ना, तो पूरी रात आपका औजार एकदम चनचनाए हुए रहेगा। अरे क्या बात कर रहे हैं। हाँ, अगर आपने इस दवाई को एक बार ले लिया ना, तो ऐसी कोई औरत नहीं जिसे आप संतुष्ट नहीं कर सकते। हाँ साहब, ये गोली कितने का आता है? अरे भैया, हमको यहाँ ये कोई गोली दवाई बेचने नहीं आए हैं, बल्कि इस दवाई को बेचने के लिए हमें एक मॉडल चाहिए जो ढूंढने आए हैं। मॉडल? हाँ, हमारी कंपनी चाहती है कि अगर हमारे दवाई के लिए पोस्टर पे अगर किसी का चेहरा मिल जाए, गांव का जो हष्टपुष्ट आदमी है, तो दवाई बड़ी अच्छी बिकेगी। अरे नहीं भैया, ये तो अश्लील दवाई है, इसके लिए गाँव का कोई आदमी तैयार नहीं होगा। जाइए, आप अपना समय खराब कर रहे हैं। गाँव में सबको अपनी इज्जत प्यारी है। जाइए जाइए, हमारा समय खराब मत कीजिए। जाइए, समय खराब कर रहे हैं। लाल वाली इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है, हमको हरी वाली दिखाओ ना। वो हरी वाली? अरे रानी, ये हरी वाली छोटी है,
तुमको नहीं आएगी। अरे दिखाओ तो सही। बहुत टाइट है, अंदर नहीं जाएगा। थोड़ा प्यार से धक्का लगा कर डालो ना, चला जाएगा। अरे ज्यादा जोर लगाऊंगा तुम्हें लग जाएगी। अच्छा एक काम करो, वैसलीन लगा कर डालो तब चला जाएगा। देखा रानी, हम कहे थे ना वैक्सीन लगाने के बाद भी नहीं जा रहा है। दरअसल का है ना मनोज, तुम डालना ही नहीं चाहते हो। सही कह रही हो रानी जी, भैया कितनी ही कोशिश कर लें लेकिन ये नहीं डालेंगे। आप कहो तो हम डाल दें। ए साले, ज्यादा बोलो ना, भी तुम्हारा उखड़ के तुम्हारे ये पिछवाड़े में डाल देंगे। मूड खराब कर दिया, कुछ नहीं लेना हमको। भैया जी, पूरे गांव की लड़कियां भाभी आपको लाइन मारती हैं, पर एक आप ही किसी को भाव नहीं देते। अगर हमें इतना भाव देना लड़कियां, तो हम तो हर रोज एक नई को। अरे बेटा, हम में और तुम में यही तो फर्क है। दरअसल हमारी हो गई है शादी और हम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। भैया आप तो हमको एकदम इमोशनल कर दिए। अब ज्यादा इमोशनल मत हो और हमारी बात जरा ध्यान से सुनो। हम सरपंचाई का चुनाव लड़ने के लिए मन बना लिए, और तुम ये पता करके आओ यह सबसे बढ़िया पोस्टर डिजाइन कौन बनाता है। जी भैया, ठीक है अभी करते हैं। प्यारे लाल जी, हमको तो ये लगता है इस बार आपको चुनाव लड़ना ही चाहिए। हाँ आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो, आप जैसा समझदार इंसान हमें और कहाँ मिलेगा। ये आप सबका स्नेह है, अगर आप सबकी यही इच्छा है तो हम सरपंच का चुनाव जरूर लड़ेंगे। अरे या तो गाना बंद कर दे या धीमे बजा ले। चलिए प्यारे लाल जी, अभी हम चलते हैं। राम राम। राम राम। राम 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 राम। आते रहिएगा जी। बंद कर इसे, बंद कर। अब
कागू पापा काहे चिल्ला रहे हैं? साले, तुमको कितनी बार हम समझाएं अपने इस भोपू को धीरे बजाया करो। अगर अब की बार तुमने इसे तेज बजाया ना तो तेरी। अरे आप ये बात बात में मुझे क्यों ले आते हो? कितनी बार कहा है आपसे चिल्लाया मत करो, बीपी बढ़ जाता है आपका। तो अपने इस राज दुलारे को समझाया करो ना। हाँ? क्या रे ये क्या है? जैसा कपड़ा पहना है तू? ये स्टाइल है, आप नहीं समझेंगे पापा। स्टाइल है, स्टाइल है, रुक तो रहा स्टाइल। क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहे हो, पगला गए हो क्या? छोड़ो उसे और चलिए, चलिए आप मेरे साथ। आइए शांत हो जाइए करो। देखिए धड़कने कितनी तेज हो गई है आपकी, संभल क्यों नहीं जाते हो यार? तो कर दो ना नॉर्मल, कर दो ना नॉर्मल। कितनी बार कहा है, आप बाप बेटों की लड़ाई में मेरी कुटाई हो जाती है। तो हो जाने दो ना।